अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा के बारे में। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे। शीना कहती है, देखिए आपने देख लिया ना अपनी अलीम भाई की फैमिली का कमाल, अच्छा खासा मेरी निताशा का रिश्ता हुआ पड़ा था अगर ये लोग बिल्कुल टाइम पर ना आते। सफदर साहब कहते हैं कि देखो शीना, शायद तुम भूल रही हो, उन लोगों ने आते ही सिर्फ और सिर्फ हादिया की बहन की बात की थी, निताशा का नाम तो कहीं भी नहीं था। तो क्या तुम ज़बरदस्ती अब ये रिश्ता करवा कर रहोगी जब वो रिश्ता तुम लोगों के साथ करना ही नहीं चाहते। शीना कहती है कि इंसान कभी तो कम से कम अपने बच्चों की हमायत में बोल पड़ता है, आप जब भी बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ हादिया की फैमिली की साइड लेते हैं, आपके अपने बच्चे तो कुछ भी नहीं हैं। नेक्स्ट सीन में आप लोग ये भी देखेंगे, निताशा कहती है कि अम्मी जान आप क्यों इस रिश्ते के पीछे पड़ी हैं, मैं तो खुद उस लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे धक्के से उस बंधन में बांध देंगी। शीना कहती है, एक तो तुम्हारी नीयत ही ऐसी है। ठीक है निताशा, अगर तुम ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो फिर अब तुम्हारी शादी उधर ही होगी जहाँ तुम्हारे बाबा जान चाहते हो। जिस तरह फैज़ान और हादिया की शादी हो गई ना इतना सब कुछ होने के बाद, तो तुम्हारी और राजी की शादी होनी है, फिर भुगतती रहना सारी उम्र ये सजाएं, तो ये सब आप देखेंगे आने वाली।